नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। टेकी ट्यूजडेज हिंदी एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब देता हूं। तो यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल जी ज्योति का है। वो पूछती हैं, व्हाट इज ए टेस्ट एनवायरनमेंट एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, यानी कि एक टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होता है एक उदाहरण के साथ समझाइए। ज्योति, टेस्ट एनवायरनमेंट बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर टर्म्स में हम एनवायरनमेंट कहाँ यूज करते हैं या ये वर्ड एनवायरनमेंट हम किस तरीके से यूज करते हैं। इंग्लिश में तो आपको पता ही होगा कि एनवायरनमेंट का मतलब होता है वातावरण, कि आप जिस वातावरण में रह रहे हैं या वगैरह वगैरह जो भी है आसपास का वातावरण या आपके आसपास की चीज़ें, उन सबको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर टर्म्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर टर्म्स में हम एनवायरनमेंट बेसिकली एक सेटअप को कहते हैं, चाहे वो सेटअप होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, अलॉन्ग विद नेटवर्किंग का भी कॉम्बिनेशन होता है कुछ कुछ उसमें, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू आर डेवलपिंग। सो एक जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो एक कॉम्बिनेशन या सेटअप होता है उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और एनवायरनमेंट मेजरली जो होते हैं वो कंपनीज में, जो आपके चाहे वो एंटरप्राइज कंपनीज हो गई, चाहे वो सर्विस बेस्ड कंपनीज हो गई, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हो गई, हर तरह की कंपनीज में एनवायरनमेंट मेजरली जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। सो वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक एक करके समझाता हूं और फिर उसका मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको साथ में। सबसे पहला एनवायरनमेंट होता है जिसको कि ज़्यादातर लोग हम कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। सो वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस के केस में ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिस पर कि कस्टमर को डायरेक्ट एक्सेस होता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जैसे अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर आप gmail.com खोलते हैं या youtube.com खोलते हैं तो ये आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया कि आप वहाँ पर जाकर के अपना जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे gmail.com में आप अपना ईमेल आईडी बनाएंगे, मेल चेक करेंगे। सो जो सॉफ्टवेयर का पर्पज़ है, जो डायरेक्ट जो कस्टमर जिस वेबसाइट को या जो एप्लीकेशन को यूज़ करता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या प्रोडक्शन एप्लीकेशन। जैसे अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जब आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, चलाते हैं exe, उसको हम कहते हैं कि वो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है या प्रोडक्शन सेटअप है। सो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सेटअप हो गया। स्पेशली ये वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस के तौर पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वो हुआ जो जिसको कि कस्टमर का डायरेक्ट एक्सेस है और वहाँ पर कस्टमर जाकर के अपना काम करता है, जो भी काम करना है एप्लीकेशन से या वेबसाइट जो विजिट करना है उसका। सो वहाँ पर जो सर्वर्स होते हैं, लोड बैलेंसर कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, या आपका जो ये है यूज़ करने के लिए ब्राउज़र कौन सा होगा, कौन से वेब सर्वर होस्टिंग के लिए कौन सा वेब सर्वर यूज़ होगा। सो ये सारी चीज़ें जो सॉफ्टवेयर पार्ट इसमें हो गया, होस्टिंग के लिए वेब सर्वर कौन सा यूज़ होगा, वेब ब्राउज़र कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा वेब ब्राउज़र आपका वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के तौर पर हम यूज़ करते हैं। सो इस जो कस्टमर जिस एनवायरनमेंट को एक्सेस करता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के बाद आता है आपका बीटा, प्रीव्यू या यूएटी एनवायरनमेंट। सो यूएटी का फुल फॉर्म होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो ये एनवायरनमेंट जो होता है ये ज़्यादातर नए फीचर्स को शोकेस करने के लिए या आपको एक कहें कि नया वर्जन जो है उसको शोकेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो आप अपना कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें जैसे अगर आप करेंगे beta.something.com उस तरीके से, तो वो आपका बीटा एनवायरनमेंट बन जाएगा। वो प्रोडक्शन जैसा ही होता है लेकिन उसका एक्सेस या उसके बारे में पता कुछ लोगों को ही चलता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो मैं विजुअल स्टूडियो से बताता हूँ। विजुअल स्टूडियो, आपके दो तरह के विजुअल स्टूडियो हैं, एक आपका विजुअल स्टूडियो स्टेबल एडिशन है, एक आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो प्रीव्यू एडिशन है। सो प्रीव्यू एडिशन या बीटा एडिशन जो है वो टेस्ट वाला है, उसको मतलब आप कस्टमर को दिया गया है कि आप उसको यूज़ करें, और इसका एक्सेस भी कस्टमर्स को होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में
कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि इसका एक्सेस किसको दिया जाए, और कई बार तो ये एनवायरनमेंट होता भी नहीं है, कुछ कंपनीज में ये एनवायरनमेंट नहीं होता है। ज़्यादातर जैसे अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करें या मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो वहाँ पर बीटा वर्जन आता है या प्रीव्यू वर्जन आता है, लेकिन यूएटी की अगर हम बात करें, यूएटी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ये सारे बेसिकली ये प्रोडक्शन का ही एक अलग वर्जन होता है जो कि सर्टेन लोगों को दिया जाता है, और ये मैंने जैसे कहा कि नए फीचर्स को शोकेस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये ज़्यादातर यूएटी एनवायरनमेंट जो है ज़्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनीज यूज़ करती हैं, या वेब एप्लीकेशन बनाते वक्त जो भी आपके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी जो है वो अपना वेब एप्लीकेशन का या वेबसाइट का जो है टेस्टिंग एनवायरनमेंट, जो प्रोडक्शन टेस्टिंग जो कि एक्सपोज होता है दूसरे लोगों को, उसके लिए यूज़ करती हैं। और वो बेसिकली ज़्यादातर सर्विस बेस्ड कंपनीज जो है वो अपने क्लाइंट्स को शोकेस करने के लिए कि वो कौन कौन से चेंजेस कर रहे हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। सो यूएटी एनवायरनमेंट या यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका एक तरीके से बीटा या प्रीव्यू वर्जन हुआ, जिसमें कि कस्टमर जो है वो नए फीचर्स को टेस्ट करता है या जो भी सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं उनको टेस्ट करता है, और वो ये चेक करता है, कस्टमर चेक करता है, जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, अगर आप बड़े एप्लीकेशन की बात करें जो कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो गए तो उसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं उस एंटरप्राइज एप्लीकेशन के, वो चेक करते हैं कि हाँ उनको जो चीज़ चाहिए वो उस सॉफ्टवेयर में है या नहीं है। अगर वो ओके करेंगे तभी वो प्रोडक्शन पे मूव होगा, नहीं तो वो प्रोडक्शन पे मूव नहीं होता है। सो एक तरह से बीटा या प्रीव्यू एनवायरनमेंट हो गया जिसमें कि कस्टमर खुद चेक करता है, और बेसिकली प्रीव्यू कई बार इसलिए भी लोग देते हैं कि ये चेक करने के लिए कस्टमर क्या इस फीचर को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस फीचर में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, अगर कर रहा है तो उस फीचर में इंप्रूवमेंट करेंगे और एडिशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए जो है यूएटी या प्रीव्यू या बीटा एनवायरनमेंट जो होता है वो यूज़ होता है। तीसरे नंबर पर आता है जो आपका सवाल है, टेस्ट एनवायरनमेंट। सो टेस्ट एनवायरनमेंट जो होता है वो यूएटी या प्रोडक्शन की तरह ही होता है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटअप जो होता है उसका वो यूएटी और प्रोडक्शन वाला ही होता है, लेकिन उसका एक्सेस जो होता है वो सिर्फ इंटरनल कंपनी के इंटरनल टेस्टर्स को दिया गया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट बनाया, अपने क्लाइंट के लिए वो वेबसाइट बनाया, लेकिन उस वेबसाइट को आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली कि क्या वो वेबसाइट आपके सारे जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में है, रिक्वायरमेंट्स लिखे गए हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है कि नहीं करता, क्या वो उतना लोड उठा पा रहा है जितना कि या जो हार्डवेयर सेटअप है क्या वो उतना लोड उठा पा रहा है जितना कि उस एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स में लिखा गया है। कि मान लीजिए कि 500 यूज़र्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 500 यूज़र्स इस एप्लीकेशन को साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे या लॉगिन करेंगे, या ये सारी चीज़ें, लोड टेस्टिंग हो गया, आपका फंक्शनैलिटी टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, ये सारी तरह की जो टेस्टिंग होती है ये सारी एक टेस्ट एनवायरनमेंट पे की जाती है। टेस्ट एनवायरनमेंट जो होता है वो प्रोडक्शन का ही रेप्लिका होता है, लेकिन ये सिर्फ इंटरनली अवेलेबल होता है, इंटरनल टेस्टर्स को ही अवेलेबल होता है, और डेवलपर्स को ऑफकोर्स अवेलेबल होता है देखने के लिए। यहां पर भी आपका जो है, जो तीनों एनवायरनमेंट जो है, आपका प्रोडक्शन, टेस्ट और यूएटी, इन तीनों एनवायरनमेंट पे आपका ईएक्सी या जो आपका आउटपुट होता है वो डिप्लॉय होता है। वहाँ पर आप सीधे जाकर के कोई भी डेवलपर जो है कोई चेंज नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ये टीम जो है डेवॉप्स की टीम हो गई या आपकी डिप्लॉयमेंट टीम होगी वो ये सारा काम करती है, जो कि टेस्ट एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, इन सब में डिप्लॉयमेंट का काम जो है डिप्लॉयमेंट टीम करती है, और फिर टेस्टर जो है वो इसको टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली, अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि टेस्ट एनवायरनमेंट एक इंटरनल सेटअप हो गया जिसमें कि आप प्रोडक्शन जैसी एनवायरनमेंट पे सारी चीज़ें चेक करोगे कि क्या है क्या नहीं है। अब रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो आपका यूएटी, प्रोडक्शन और टेस्ट एनवायरनमेंट तीनों का मैं एग्जांपल बताता हूं। रियल लाइफ बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपका क्या होगा, सिंपलेस्ट एग्जांपल, मान लीजिए आप परफ्यूम या डियो खरीदने जाते हैं। परफ्यूम या डियो खरीदने जब आप जाते हैं अपने सुपरमार्केट में, तो सुपरमार्केट में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक जो जितने भी परफ्यूम होते हैं, सारे परफ्यूम के जो फ्लेवर्स होते हैं उन फ्लेवर्स के ऊपर एक स्टिकर, एक परफ्यूम की बॉटल जो होती है वो ओपन होती है और उसके ऊपर स्टिकर लगा होता है टेस्टर का। सो जो क्लोज्ड जो परफ्यूम की बॉटल्स होते हैं, जो सील्ड होते हैं, दोज आर बेसिकली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट या प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स, कि आप उसको खरीदते हैं, उसको लेकर के आते हैं, अपने घर पे यूज करते हैं। जो टेस्टिंग, जो जिस पे टेस्टर बॉटल्स लिखी होती हैं, सो वो टेस्टर बॉटल्स आपके होते हैं यूएटी एनवायरनमेंट, कि आपने वहीं पर देखा कि आपको ये कैसा लग रहा है और आप वहीं पर साथ में टेस्ट करके देख रहे हैं, आपको पसंद आया, वो स्मेल पसंद आया, आपने वो वाला जो फ्लेवर है
परफ्यूम का, वो खरीद लिया। सो ये यहाँ तक आपके, क्योंकि आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसी तरह परफ्यूम कंपनी में इंटरनली वो लोग नए नए फ्लेवर्स ट्राई आउट करते रहते हैं। अब उन फ्लेवर्स को ट्राई आउट करने का जो काम कंपनी में करते हैं वो टेस्टर होते हैं, इंटरनल टेस्टर होते हैं जो स्मेल करते हैं और सारा कुछ करते हैं। और उन इंटरनल जो टेस्टर्स होते हैं, उन टेस्टर्स का काम होता है कि एक्चुअल वैसे परफ्यूम को टेस्ट करना। सो ये हालांकि थोड़ा सा क्रूड एग्जांपल हो गया, लेकिन मैं इसी तरीके का एग्जांपल बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में आप इसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। और ऐसे अगर हम सॉफ्टवेयर टर्म्स में बात करें तो एनवायरनमेंट जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है, और जो कॉम्बिनेशन हम प्रोडक्शन सेटअप उसको कहते हैं, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट उसको कहते हैं जिसका कस्टमर को डायरेक्ट एक्सेस होता है। यूएटी एनवायरनमेंट हम उसको कहते हैं जिसका कि लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स को एक्सेस होता है या बीटा कस्टमर्स को एक्सेस होता है। और टेस्ट एनवायरनमेंट वो होता है जो कि इंटरनल टेस्टिंग टीम को जिसका एक्सेस होता है, जो कि सारा काम करती हैं। और इसमें इंटरनल टेस्टिंग में बहुत सारे टेस्टर्स होते हैं, मैनुअल टेस्टर होते हैं, ऑटोमेशन टेस्टर होते हैं, लोड टेस्टर होते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टर्स होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करने की जो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं, उनको इस पर्टिकुलर जो एक्सेस एनवायरनमेंट है उसका एक्सेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्ट एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं चौथे एनवायरनमेंट की, और चौथा एनवायरनमेंट है आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एज नाम से ही पता चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की मशीन को हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। और ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर की मशीन जो होती है वो लोकल मशीन होती है, उस पर सब कुछ लोकल सेटअप होता है अपार्ट फ्रॉम डेटाबेस। डेवलपमेंट डेटाबेस क्योंकि कॉमन रखते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी या आपका जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कई बार जो है सेम सिस्टम पर ही डेटाबेस होता है, अदरवाइज कॉमन जो डेटाबेस है वो। और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी डिप्लॉयमेंट जो है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का जो डिप्लॉयमेंट है उसका डायरेक्ट एक्सेस होता है, उससे एक्सेस करके वो भी एक तरह से प्रोडक्शन का रेप्लिका रखते हैं, लेकिन लोकल डेवलपर का सेटअप अलग होता है। और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल वगैरह भी कर सकते हैं, अपना कोई और सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना चाहे तो वो इंस्टॉल करके देख सकते हैं। वो बेसिकली वो डेवलपर की मशीन हो गई। सो डेवलपर जो कोलैबोरेट करने के लिए जो सेटअप यूज करते हैं, दैट इज योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। टेस्टर जो प्रोडक्शन के रेप्लिका को यूज करते हैं अपनी टेस्टिंग करने के लिए, वो हो गया आपका टेस्ट एनवायरनमेंट। और जो लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स यूज करते हैं वो हो गया आपका यूएट एनवायरनमेंट। और जो आपका कस्टमर डायरेक्टली यूज करते हैं, जो एंड यूजर यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो ये था कि सॉफ्टवेयर टर्म्स में एनवायरनमेंट क्या होता है और कितने तरह के एनवायरनमेंट्स अवेलेबल हैं या कितने तरह के एनवायरनमेंट्स यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अगला सवाल प्रवीण जोशी का है, वो पूछते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू चेंज द डोमेन फ्रॉम टीचिंग विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस टू कॉर्पोरेट साइड। यानी कि एक 5 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर को कॉर्पोरेट साइड में मूव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। प्रवीण, अगर आप 5 साल से टीचिंग में हैं और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी टीचिंग में ही हैं, इसी वजह से आप टीचिंग से कॉर्पोरेट साइड में मूव करना चाहते हैं, आईटी सेक्टर में मूव करना चाहते हैं, मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि रादर देन आप डेवलपमेंट या किसी और चीज़ में जाने के, आप जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में या कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पर जाइए। आप अपने टीचिंग के 5 साल के एक्सपीरियंस को यहाँ पर आप बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका मैं 4 स्टेप का आपको प्लान देता हूँ, इस प्लान को फॉलो करके आप बड़े आराम से इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर भी बन सकते हैं और अपनी एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क चूज करना। अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में एक्सपर्टाइज है तो आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क चूज कीजिए, या फिर जो भी आपको मार्केट में लग रहा है कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के सबसे ज़्यादा जॉब्स आ रहे हैं, आप जॉब साइट पर जा करके सर्च वगैरह कर करके आप देख सकते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क के बारे में सीखिए, खुद से सीख करके सारा कुछ सीखिए, चूज़ कीजिए कि हाँ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ये टेक्नोलॉजी जो है, अब मैं इस टेक्नोलॉजी का ट्रेनर बनने जा रहा हूँ। दूसरा स्टेप होगा कि उस टेक्नोलॉजी को बारे में सीखने के बारे में, कि उस टेक्नोलॉजी को कैसे सीखते हैं या किस तरह से सीखना है, किस तरीके से क्या यूटिलाइजेशन है, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, उसके सीखने के बारे में ब्लॉग्स लिखिए या वीडियोस बनाइए, स्पेशली जैसे रोड मैप वगैरह का वीडियो बनाइए कि हाँ भाई, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे .NET की बात करें हम, तो .NET में
में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस तरह के आप डेवलपर बन सकते हैं और इस तरह के डेवलपर को बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, उस तरह का सीखने का एक रोड मैप का वीडियो या ब्लॉग आर्टिकल लिखिए। तीसरा स्टेप होगा कि इस वीडियो या ब्लॉग आर्टिकल को एडवर्टाइज करते हुए कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर डोमेन में या इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में टीचिंग का, और उसके साथ साथ आप ये एडवर्टाइज कीजिए कि आपने ये पूरा रोड मैप बनाया है और उस रोड मैप को फॉलो करते हुए लोगों को जो है वो जॉब वगैरह मिल सकती है। सो इसके ऊपर आप जो है एक पूरा का पूरा एक वेबिनार कीजिए, 1 घंटे का वेबिनार कीजिए जिसमें कि आप ये बताइए लोगों को कि इस टेक्नोलॉजी को सीखने से उनको किस तरह की जॉब मिलेगी, मार्केट में इस टेक्नोलॉजी का शेयर कितना है, कितने लोग इस टेक्नोलॉजी पे आज की डेट में काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी कम्युनिटी है वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीज़ें। एक तरीके से आप उस टेक्नोलॉजी के इवेंजलिस्ट बनिए और लोगों को बताइए, और फिर उसके बाद उस 1 घंटे के कोर्स के एंड में आप जो है वो अपना कोर्स भी बेच सकते हैं, या आप अपना कोर्स बेचिए कि हाँ मैं इस टेक्नोलॉजी को सिखा सकता हूँ, ये पूरा रोड मैप जो आपको बताया है ये पूरा रोड मैप मैं आपको इतने दिन में सिखा सकता हूँ। सो इस तरीके से आप जो है एक इंडिपेंडेंट ट्रेनर या कंसल्टेंट के तौर पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। चौथा स्टेप है कि आप यही सारा कुछ करते हुए एक प्लान जो अपना रिज्यूम बनाइए, उसमें ये सारे एग्जांपल्स शो कीजिए, अपने ब्लॉग आर्टिकल्स के बारे में बताइए और अपना एक पूरा प्रॉपर ट्रेनर रिज्यूम बना करके आप जो भी जॉब साइट्स है वहाँ पर डालिए। उसके अलावा कंपनीज में अप्लाई कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई ना कोई कंपनी जो है वो एज ए कॉरपोरेट ट्रेनर या इंटरनल ट्रेनर के तौर पर हायर कर लेगी, और जब आपको ये ट्रेनर की जॉब मिल जाएगी तो इंटरनली आप फिर उस करियर में ग्रो करने का प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप इस 4 स्टेप प्लान को फॉलो करते हुए आइदर एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट या एज ए कॉरपोरेट ट्रेनर अपने आप को एस्टैब्लिश कीजिए, बिकॉज डेवलपमेंट लाइन में एक्सपीरियंस इतने एक्सपीरियंस के बाद जाना जो है वो बहुत टफ होगा आपके लिए। आपका कंपटीशन जो है वो यंगस्टर्स के साथ होगा जो कि आपसे ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा जल्दी सारी चीज़ें कर पाएंगे, सो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देंगी। सो मेरा सजेशन यही है कि आप अगर टीचिंग में अच्छे हैं तो आप कॉरपोरेट ट्रेनर की तरफ अपने आप को मूव कर सकते हैं। अगला सवाल विशाल का है, वो पूछते हैं, आई ज्वाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज पेइंग मी गुड बट दे आर वर्किंग ऑन ए बिट ओल्ड टेक्नोलॉजी दैट इज जेक्वेरी एंड स्प्रिंग नॉट स्प्रिंग बूट, व्हाट शुड आई डू, शुड आई लुक फॉर ए चांस। यानी कि इनको एक कंपनी में जॉब मिली है और वो उस जॉब की सैलरी वगैरह काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो जॉब है वो एक पुरानी टेक्नोलॉजी में है, जेक्वेरी और स्प्रिंग पे है, स्प्रिंग बूट भी नहीं, स्प्रिंग बूट आई थिंक न्यू टेक्नोलॉजी है स्प्रिंग में, और ये कह रहे हैं कि क्या ये कहीं और अप्लाई करें, इनको क्या करना चाहिए। विशाल, अभी के करंट सिचुएशंस को देखते हुए और इन जनरल भी मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा कि आप जहां पर हैं वहीं पर स्टिक करें, आप कंपनी चेंज करने के बारे में ना सोचें। यदि आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, यदि आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है और यदि आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही है, यानी कि आपके पास टाइम मिल रहा है और भी कुछ करने के लिए, तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप अपने आप के ऊपर, अपने स्किल्स को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएं बजाय जॉब चेंज करने के। बिकॉज जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता जाएगा, वैसे वैसे आपको फिर एट द एंड ऑफ द डे समझ में आएगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती, बिकॉज एंटरप्राइज जो है, जो कंपनी जो है, वो जो टेक्नोलॉजी एक बार चूज़ कर लेती हैं, उस पर जो प्रोडक्ट बना देती हैं, वो प्रोडक्ट वो ऐसा बनाते हैं कि वो सालों साल प्रोडक्ट चले, फिर वो टेक्नोलॉजी पे जो है चेंजेस, जो टेक्नोलॉजी चेंजेस जो है वो बहुत कम करते हैं या बहुत लेट करते हैं। मार्केट में आज की डेट में भी .NET फ्रेमवर्क, जो आपका विंडोज वाला .NET फ्रेमवर्क है, उस पे जो एप्लीकेशंस बने हुए, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एप्लीकेशन जो हैं वो बने हुए, बिलियन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एप्लीकेशंस बने हुए हैं। आप अभी भी देखेंगे कि कई सारे जो ATM मशीन्स हैं उनमें विंडोज़ XP चल रहे हैं। सो एंड यूज़र के लिए तो लगेगा यार विंडोज़ 11 आ चुका है, और आप जबकि ATM मशीन में अभी भी विंडोज़ XP चल रहा है। कई सारे जगहों पर जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं वहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। कई सारे एप्लीकेशन जो हैं वो अभी भी .NET फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, सो इन एप्लीकेशन को मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स जो डेवलपर हैं वो .NET फ्रेमवर्क वाले ही डेवलपर होंगे। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि यदि आपको पैकेज अच्छा मिल रहा है, यदि आपका वर्क लाइफ बैलेंस सही है, यानी कि आपको प्रॉपर अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए भी टाइम मिल रहा है और आप अच्छे से काम कर रहे हैं,
तो रादर देन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने के, आप जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में, अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में सोचिए। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के डोमेन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंश्योरेंस के किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो इंश्योरेंस डोमेन के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि उस डोमेन में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ताकि अगर आप कोडिंग से आगे बढ़कर के बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं या मैनेजमेंट लाइन में जाना चाहते हैं तो भी आपको डोमेन एक्सपर्टाइज हो। सो डोमेन के बारे में आप जान सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जो है वो कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान सकते हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप स्प्रिंग पे काम कर रहे हैं या आप स्प्रिंग बूट की बात करते हैं। आई थिंक स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में कितना डिफरेंस है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जावा साइड का बंदा नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि .NET फ्रेमवर्क और .NET कोर फ्रेमवर्क में जो है डिप्लॉयमेंट के डिफरेंस है, उसके अलावा इंप्लीमेंटेशन के डिफरेंस है, लेकिन कोडिंग में जो कॉन्सेप्ट जो है, डिज़ाइन पैटर्न्स वही यूज़ होते हैं, आपके जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं वही यूज़ होते हैं। सो आप अपने प्रिंसिपल्स, पैटर्न्स, इन सब की नॉलेज जो है उसको इंक्रीज कीजिए। इसके अलावा आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पर भी काम कर सकते हैं, अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब के बारे में भी इन सब के ऊपर भी काम कर सकते हैं, इनके बारे में सीख सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में जब ग्रो करें, जब आप किसी टीम लीड पोजीशन पर जाएं या आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन पर जाएं तो आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं। और ऑफ कोर्स एक लास्ट पॉइंट जो कि मैं सबको बोलता हूं कि आप अपने पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। ब्लॉग लिखना शुरू कीजिए, वीडियो बनाइए या सेशन दीजिए लोकल मीटअप ग्रुप में, ताकि आपका नेटवर्क बढ़े और आपका नॉलेज जो है वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि मैं तो पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूं तो मैं क्या नॉलेज शेयर कर सकता हूं। पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम अपने ऑफिस में कीजिए, नई टेक्नोलॉजी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में काम कीजिए, उसके बारे में ब्लॉग लिखिए, उसके बारे में आर्टिकल लिखिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो नई चीज़ पढ़िए। आप खुद से तो एक साइड प्रोजेक्ट बना ही सकते हैं, उस साइड प्रोजेक्ट के बारे में काम कीजिए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा कि यदि पे पैकेज अच्छा है और वर्क लाइफ बैलेंस सही है तो आप इन चीज़ों पे काम कीजिए, अपने ब्रांड बिल्डिंग पे, अपने स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, रादर देन नई नौकरी ढूंढने के। अगला सवाल अभिषेक का है, वो पूछते हैं व्हाई आर आईटी सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट, डू दे रियली हेल्प, यानी कि आईटी सर्टिफिकेशंस क्यों जरूरी हैं और क्या वो सच में मदद करते हैं आपके करियर में। अभिषेक, आईटी सर्टिफिकेशन एक एम्प्लॉय के तौर पर मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सर्टिफिकेशन जो है, आपका सर्टिफिकेशन ले लो या डिग्री ले लो, ये एक तरह से एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन है ये बताने के लिए कि हाँ आपको वो टेक्नोलॉजी या फ्रेमवर्क जो है वो आता है जिसके बारे में आपने अपने रिज्यूम में लिखा है। मान लीजिए आपने कहीं काम किया है, तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पर काम किया है और आपने उस रिज्यूम में अपने लिखा है कि आपने इस टेक्नोलॉजी पर काम किया है, मुझे आता है, और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है शो करने के लिए, तो उस केस में आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको तब सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आपने मेंशन किया कि हाँ इस टेक्नोलॉजी का मेरे पास सर्टिफिकेशन है और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो भी आपसे इंटरव्यू ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन ये जस्ट वैलिडेट करेगा कि हाँ आप एक सर्टिफाइड जो हैं वो डेवलपर हैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के। सो सर्टिफिकेशन जस्ट एक तरह से वैलिडेशन है आपके लिए। एज एन एम्प्लॉय या एज एन इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन की सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई सर्टिफिकेशन जो है आपके रिज्यूम में आपको ऐड कर देता है, आपके रिज्यूम में वेट ऐड करता है, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि मैंने देखा है कि सर्टिफिकेशन उतना ज़्यादा वेट ऐड नहीं करता, उतना ज़्यादा कॉल्स वगैरह नहीं आती हैं अगर आपके पास एक्चुअल उस चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो और आपने उस चीज़ को सही ढंग से यूज़ ना किया हो और अपने रिज्यूम में प्रॉपर कीवर्ड्स ना यूज़ किए हों उस चीज़ से रिलेटेड, तो आपको वो चीज़ मैटर करती है। अदरवाइज सर्टिफिकेशन उतना ज़्यादा रिज्यूम में वैल्यू ऐड नहीं करते। सर्टिफिकेशन का बेनिफिट मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनीज को बहुत ज़्यादा होता है, इंडिविजुअल को तो बस ये बेचा जाता है कि हाँ भाई आपको आपका वैल्यूएशन हो रहा है, एक तरह से आपका टाइटल बढ़ रहा है, आप सर्टिफाइड हो रहे हो ये वो, लेकिन सच बताऊँ तो आप सर्टिफिकेशन करने के बाद भी, आप सर्टिफाइड होने के बाद भी इंटरव्यू में आपसे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप उस चीज़ के एक्सपर्ट हो गए। सो ऑफकोर्स आप
आपसे इंटरव्यू में टेक्नोलॉजी के उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। सो इंडिविजुअल के तौर पर सर्टिफिकेशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, इसीलिए मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि सर्टिफिकेशन तभी करो जब आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही हो, बिकॉज कंपनीज को बेनिफिट होता है। कंपनीज अगर ये दिखाती हैं कि उनके पास इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के 4-5 बंदे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट के अगर कुछ सर्टिफाइड बंदे जो हैं वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट उनके साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है पार्टनरशिप करके उनको काम वगैरह दे सकता है। गोल्ड पार्टनर, सिल्वर पार्टनर, इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट के प्लान्स होते हैं जिसमें कि वो ये कहते हैं कि हाँ भाई आपके जो डेवलपर्स हो वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होने चाहिए। सो इसी तरह अमेज़ॉन में भी है कि अगर अमेज़ॉन के आपको पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन करना है तो आपके पास 2 या 3 सर्टिफाइड अमेज़ॉन के सर्टिफाइड डेवलपर्स होने चाहिए। इसी तरह से गूगल में भी है। सो कंपनीज के लिए सर्टिफिकेशन दिखा करके काम लेना ईजी होता है, इंडिविजुअल एम्प्लॉय के तौर पर सर्टिफिकेशंस की आपको कोई वैल्यू नहीं है। आपके लिए वैल्यू वही है कि सर्टिफिकेशन के आपको पैसे मिल जाएंगे, रिज्यूम में एक लाइन ऐड हो जाएगी, अदरवाइज इंटरव्यू में तो आपसे फिर भी पूछा ही जाएगा। सो अगर आपकी कंपनी आपको पैसे देती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है कि हाँ भाई ये सर्टिफिकेशन करो तो करो, अगर कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही है तो अपने मन से किसी भी सर्टिफिकेशन, किसी भी टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशन करने की या उसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। रादर देन सर्टिफिकेशन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डिग्री करो किसी भी चीज़ की, बिकॉज डिग्री जो है वो आपकी लाइफ टाइम के बेनिफिट होता है। सर्टिफिकेशन कई बार जो है 2 साल के होते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। सो उनका टेक्नोलॉजी जो है वो हर 2-3 साल पे चेंज होती रहती है, तो नई नई टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेशंस आते रहते हैं। सो सर्टिफिकेशन जैसा मैंने कहा, अगर कंपनी पे कर रही है तो सर्टिफिकेशन करो, अपने पैसे से सर्टिफिकेशन मत करो। कोई पार्ट टाइम डिग्री कर लो उसी पर्टिकुलर डोमेन में, या उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नहीं कहूँगा डोमेन में, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, या आपका MBA करना चाहते हो तो MBA कर लो, मार्केटिंग करना चाहते हो, किसी भी चीज़ में सर्टिफिकेशन की बजाय डिग्री करना ज़्यादा बेटर है। अगला सवाल VD का है। VD मतलब आई थिंक उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म VD है, उन्होंने फुल नेम नहीं लिखा हुआ है। सो VD का सवाल ये है कि हाउ डू वी एक्सप्लोर फाइल्स इन ए पैकेज और इन ए DLL, हाउ डू वी डू दैट इन विजुअल स्टूडियो। फॉर एग्जाम्पल इन जावा व्हेन वी रेफर ए जार यू कैन डीकम्पाइल इट इनटू सी व्हाट ऑल क्लासेस एंड मेथड्स इट हैज। यानी कि ये पूछ रहे हैं कि एक .NET की DLL के अंदर की क्लासेस हम कैसे देख सकते हैं, क्लासेस या मेथड्स कैसे देख सकते हैं। इनके हिसाब से जार जो पैकेज है, जार पैकेज को, जो जावा के जो जार पैकेजेस हैं, जार बेसिकली आपका क्या है कि डॉट जार जो पैकेज होता है वो एक तरह से आपका जिप की तरह ही होता है, और आप उसको अनजिप करके उसके अंदर की क्लासेस या मेथड्स वगैरह देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे जार के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं इन्हीं के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि इनके हिसाब से जार को हम ओपन करके, डीकम्पाइल करके, जार फाइल्स को हम ओपन डीकम्पाइल करके हम उसके अंदर के मेथड्स एंड पैकेजेस को देख सकते हैं। सो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि विजुअल स्टूडियो में हम .NET के DLL को कैसे डिकम्पाइल करके देख सकते हैं, उसके कोड, क्लासेस या मेथड्स को कैसे देख सकते हैं। तो VD भाई ये चीज़ विजुअल स्टूडियो में नहीं होता। डिकम्पाइल करने के लिए आई डोंट नो जार को डिकम्पाइल करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लेकिन .NET वर्ल्ड में डिकम्पाइल करने के लिए अलग से टूल आते हैं जिनको कि डिकम्पाइलर ऑफकोर्स कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा होगा डिकम्पाइलर। लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट जो है .NET का अपना जो डिकम्पाइलर जो है, जो कि अपना .NET के पैकेज के साथ ही आता है, उस डिकम्पाइलर का नाम है ILDASM करके आता है। ये .NET फ्रेमवर्क की जो DLL है, .NET फ्रेमवर्क में बनी हुई जो DLL है उनको डिकम्पाइल करता है। उसके अलावा आपके मार्केट में बहुत सारे ओपन सोर्स, या नॉट ओपन सोर्स लेकिन फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, कुछ ओपन सोर्स भी हैं। जैसे एक टूल है जिसका नाम है ILSpy। सो ILSpy जो है वो एक ओपन सोर्स डिकम्पाइलर है जिसमें कि आप अपने .NET एप्लीकेशन को डिकम्पाइल कर सकते हैं और .NET DLL को डिकम्पाइल कर सकते हैं, इनफैक्ट एप्लीकेशन EXE को भी डिकम्पाइल कर सकते हैं, और डिकम्पाइल करके उसके सारे क्लासेस, मेथड्स वगैरह सारा कुछ देख सकते हैं। ILDASM जो है वो आपका .NET फ्रेमवर्क की किसी भी DLL या EXE को डिकम्पाइल करने के लिए यूज़ होता है, वो बाई डिफ़ॉल्ट .NET फ्रेमवर्क के साथ आता है। ILSpy जो है वो ओपन सोर्स है। इसी तरह JetBrains का एक टूल है जिसका नाम है .peak। सो .peak भी यूज़ करके आप अपने कोड को डिकम्पाइल कर सकते हो और उसके क्लासेस वगैरह देख सकते हो। हालांकि ये एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच है, इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपने कोड को
अनडिकम्पाइलेबल या अनअंडरस्टैंडेबल बनाती हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं डॉक्फस्केशन। सो एक डॉक्फस्केटर टूल आता है जिससे वो क्या करता है कि आपके कोड को आप डॉक्फस्केटर में अपनी DLL या अपनी EXE को डालेंगे और वो क्या करता है कि आपके EXE के कोड को पूरा ऐसे जंबल कर देता है डिकम्पाइल करके कि आप अगर उस DLL को डिकम्पाइल करेंगे तो उसको समझ नहीं पाएंगे कि वो DLL काम कैसे करता है। सो ये एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन इंटरनली आप समझने के लिए डिकम्पाइलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जार फाइल को डिकम्पाइल करते हैं उसी तरह से विजुअल स्टूडियो .NET में विजुअल स्टूडियो नहीं यूज़ होता इस काम के लिए। इस काम के लिए स्पेशल डिकम्पाइलर्स होते हैं, जैसे ILDASM हो गया जो कि .NET फ्रेमवर्क का होता है। .NET कोर या .NET 6 के लिए आप .peak या फिर ILSpy यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया चैनल पर मुझे टैग करके पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल सेम है, टेकी राठौर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे ये जवाब पसंद आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।